लो आ गई GDS के लिए एक ऐसी खबर जिसको सुनकर सभी GDS खुशी से नाच उठेंगे, झूम उठेंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले GDS के इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर जिसे आप सुन के आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। हाल में ही राज्यसभा में GDS के मुद्दों पर गर्मागर्म बहस हुई और उसमें GDS को यह उम्मीद जगी कि सरकार के द्वारा GDS के लिए भविष्य में कुछ न कुछ बड़े महत्वपूर्ण कदम और बदलाव या संशोधन किए जरूर जाएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो क्या है वो खुशखबरी, उसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। और ऐसे ही GDS और इंडिया पोस्ट के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल GDS 24x7 को सब्सक्राइब करें, जिसे आप रहेंगे GDS के लेटेस्ट अपडेट में दूसरों से कहीं आगे। तो इंतजार किस बात का, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो पे बने रहें। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने राज्यसभा से जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो आए थे उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको अवश्य जाकर देखें। क्योंकि अभी जो मैं जिस वीडियो के मुद्दे पर बात करने वाला, उससे पहले आपको राज्यसभा में जो मुद्दे उठे थे उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। राज्यसभा में दिनांक 29 जुलाई 2021 के जवाब तलब में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया था, वो थे कि GDS में जो कमलेश चंद्रा रिपोर्ट्स को सौंपी गई थी उसके बारे में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई है और क्या क्या उसकी मांगे पूरी नहीं हुई है, इसके बारे में राज्यसभा में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसके जवाब में उन्होंने 6 मांगे जो ऐसी थी जिसको उन्होंने कहा कि इसको पूरा नहीं किया गया, और उसके अलावा जितने भी कमलेश चंद्रा रिपोर्ट में मांगे थी उसको पूरा कर लिया गया है। तो उसी के बाद अब राज्यसभा के बाद अब लोकसभा सदन में भी GDS के अहम मुद्दे रिपोर्ट, कमलेश चंद्रा रिपोर्ट के बारे में जवाब तलब किया गया है। इस रिपोर्ट के द्वारा बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है, जो रिपोर्ट काफी लंबी चौड़ी है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में आपको हम वीडियो अलग से प्रोवाइड करा देंगे। और जो राज्यसभा के बाद लोकसभा में जो इम्पोर्टेंट और GDS के लिए एकदम बेहद जरूरी मांगे को जो पूरा कर दिया गया है उसके बारे में चलिए हम वीडियो को देख लेते हैं। तो राज्यसभा के सदन के बाद अब GDS के मुद्दों पर लोकसभा में भी क्वेश्चन आंसर किए गए, और उस सदन में से जो बातें निकल के आ रही है उससे GDS को काफी हद तक सुकून दिया है, और वो क्वेश्चन से GDS के लिए भविष्य भी बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो वो क्वेश्चन क्या था, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। तो लोकसभा संसद में एक क्वेश्चन उठाया गया कि विभागीय संवर्ग जैसे MTS, पोस्टमैन, मेल गार्ड हेतु सीधी भर्ती के लिए GDS के रूप में न्यूनतम कार्यकाल 1 वर्ष की सिफारिश की गई थी, उसके बारे में उनको आंसर देना। तो इसके जवाब में माननीय सदस्य ने इसको कार्यान्वित यानी इम्प्लीमेंट की सूचना दी थी, जिसका मतलब साफ है कि अगर आप GDS हैं और आपने GDS के पद पर अपना कार्यकाल 1 साल कंप्लीट कर लिया है तो आप MTS, पोस्टमैन, मेलगार्ड के एग्जाम में बैठ सकते हैं, और ये बहुत बड़ी राहत है हम GDS के लिए, क्योंकि इससे पहले हमको MTS के लिए कम से कम एक GDS को 3 साल का कार्यकाल पूरा करना होता था तथा पोस्टमैन और मेल गार्ड के परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम 5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता था, जो कि अब 1 साल कर दिया गया है। और इस तरह से अगर कोई GDS नया फ्रेश भर्ती भी होता है तो ज्वाइनिंग के साथ ही वो विभागीय परीक्षा की तैयारी करने में जुट सकता है, और 1 साल के बाद वो विभागीय कर्मचारी परीक्षा में बैठ सकता है। अगर आप विभागीय एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, और मौका का फायदा उठाते हुए आप भी जल्द से जल्द विभागीय कर्मचारी बनकर अपने भविष्य को उज्जवल करें। तो यही थे लोकसभा से GDS के लिए एक अहम और बेहद खुशी की खबर। तो ऐसे ही इंडिया पोस्ट और GDS के इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और देखते रहें GDS का ऑफिशियल चैनल GDS 24x7। मिलते हैं आपको नए अपडेट के साथ, तब तक हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।